नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको 7 बार बोनस शेयर दिया है और साथ ही साथ 1 बार 10 से 1 रुपया के फेस वैल्यू में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। मतलब अगर आप इस स्टॉक का सिर्फ 100 शेयर बाय के रहते तो आपका कुल शेयर होता 6,40,000 शेयर। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में हम बात करेंगे, ये बेहतरीन शेयर है और काफी बोनस देता है अपने इन्वेस्टर को। 2020 में भी अपने इन्वेस्टर को बोनस दिया है। तो दोस्तों ऐसी बेहतरीन कंपनी जब भी आपको मिले गिरावट में जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस को हम समझेंगे, क्या आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करनी चाहिए, कंपनी के बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ये शेयर है हमारा एलगे इक्विपमेंट्स लिमिटेड। दोस्तों ये काफी बेहतरीन शेयर है। जब बोनस शेयर आपको देता है कंपनी तो आपका जो शेयर होता है वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। तो जैसे इसका प्राइस है 160, अगर ये बोनस शेयर देता है तो इसका 1:1 का तो प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज, लेकिन आपका नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 100 है तो 200। नंबर ऑफ शेयर्स अधिक होने से आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स अधिक हो गया, अगर डिमांड कंपनी का बढ़ जाता है शेयर प्राइस कम होने से, तो आपका जो वैल्यू होगा वो डबल से इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होने से यही फायदा होता है। अगर ये 80 रुपीज हुआ तो आपका फायदा 2 रुपये का होगा। नया इन्वेस्टर जो आएगा उसका बेनिफिट मात्र 1 रुपये का होगा, लेकिन आपका बेनिफिट 2 रुपये का होगा। और फिर लंबे समय में काफी बेनिफिट्स होता है। तो बोनस शेयर के मैजिक को जो है हम किसी वीडियो में आपको अच्छे से कैलकुलेट करके और अच्छे से समझाएंगे। जैसे आपका 100 शेयर हो गया आपका 6,40,000 शेयर, तो आपका जो रिटर्न हो गया 640 times हो गया। 1,00,000 रुपया के इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न कितना मिलता, 6,40,00,000। तो ये होता है बोनस शेयर का मैजिक। साथ ही साथ जो ग्रोथ मिला वो ग्रोथ का रिटर्न जो होगा आपको अलग से होगा। ग्रोथ जो आपको पोटेंशियल दिखता है परसेंटेज, वो रिटर्न समझिए एक तरह से आपको अलग मिल रहा है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का मैजिक, बोनस शेयर का मैजिक। और जो रिटर्न होता है काफी बेहतरीन, साथ साथ डिविडेंड भी मिलेगा आपको। बोनस के कारण बहुत सारे स्टॉक्स जो आपको बढ़ गए तो डिविडेंड भी मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट आपको डिविडेंड के रूप में प्राप्त होगा। देखिए एलगे इक्विपमेंट्स लिमिटेड की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 5,075 करोड़, करेंट प्राइस है 160 रुपीज, और इसका पी की बात करें 132 का पी है। देखते हैं पी काफी हाई है। तो जो अच्छे स्टॉक्स है वो जब भी मिलेंगे आपको हाई प्राइस पे ही मिलेंगे। तो इंडस्ट्री की पी मात्र 21.3 है, तो इंडस्ट्री की पी से काफी हाई पी पे आपको मिल रहा है। तो अच्छे स्टॉक्स हमेशा आपको हाई पी पर ही मिलेंगे। वहीं बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मात्र 7.75% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.50% है। लेकिन दोस्तों चार्ट पर देखेंगे तो इसका रिटर्न काफी जबरदस्त है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट काफी कम यहाँ पर दिख रहा है हमें। अगर प्राइस के हाई लो की बात करें तो लो बनाया था 50 रुपीज 60 पैसा का, और अभी हाई देख सकते हैं बनाया है 170 रुपीज का। तो दोस्तों 170 अपने हाई 52 वीक हाई के आसपास ही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.52% का डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है। तो जो बोनस शेयर काफी ज्यादा देता है कंपनियों, उसके डिविडेंड यील्ड आपको कम ही दिखेंगे। मात्र इन्फोसिस ऐसे शेयर है मतलब बोनस शेयर देने वालों में जिसका डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है। तो आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते हैं और काफी जबरदस्त है, क्योंकि उसका डिविडेंड यील्ड भी काफी हाई है और बोनस शेयर देने में भी कंपनी काफी अच्छी है। तो इनके पेमेंट्स भी बोनस शेयर देने वाले में से काफी अच्छी कंपनी है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 38 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं निगेटिव में है। मतलब प्रॉफिट जो है फॉल क्या है कंपनी का, कंपनी के ऊपर डेट जो है 443 करोड़ का है और कंपनी का जो रिजर्व है 758 करोड़ का है। तो रिजर्व कंपनी के पास काफी अच्छा खासा है। वहीं बात करें जो नेट प्रॉफिट है उसके अनुसार कंपनी को डेट पे करने में काफी टाइम लगेगा। तो थोड़ी सी आप देखते हैं कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन रिजर्व भी अच्छा खासा है। अगर कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 33% का, और कॉन्स बहुत सारे हैं। देखने 6 times ऑफ बुक वैल्यू से काफी हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जो पुअर ग्रोथ है 7.18% का, तो ग्रोथ रेट भी काफी पुअर है। प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफी कम है, 32% के आसपास है। वहीं कंपनी जो है लो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पर जो काफी लो रिटर्न दिया है लास्ट 3 इयर्स में। अब अगर हम बात करें बोनस शेयर का, तो कंपनी जो बोनस शेयर दिया है देखते हैं 1978 में, 82 में, 87 में, 92 में, 2000 में, 2010 में, 2020 में, मतलब रेगुलर मतलब कंपनी बोनस दिया है। और अगर हमारे मार्केट में बुल रैली बनी रहती है तो कंपनी का शेयर प्राइस फिर से काफी हाई हो जाएगा, तो कंपनी फिर से आपको बोनस शेयर दे सकती है। तो दोस्तों काफी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो बोनस शेयर रेगुलर रूप से देती है और कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, और जो कंपनी पर डेट है काफी कम है। वहीं स्टॉक स्प्रेड की बात करें तो कंपनी
देख लीजिए स्टॉक स्प्लिट भी किया था 2020 में, तो इसके कारण भी आपका जो शेयर है 10 गुना हो गया। तो बोनस शेयर देने के कारण मल्टीप्लाई होता है और स्टॉक स्प्लिट का, अब इस कंपनी का जो स्टॉक है वो स्प्लिट नहीं होने वाला है क्योंकि इसका फेस वैल्यू जो मिनिमम फेस वैल्यू है 1 है, तो 1 से ज्यादा मतलब नीचे फेस वैल्यू नहीं हो सकता है। यहां से आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास 100 शेयर होता है तो देख सकते हैं अगर 78 से पहले कोई लेता 100 शेयर आपका 82 में हो जाता 200 शेयर 1:1 के बोनस के कारण, मतलब 100 शेयर पे 100 शेयर फ्री मिलता। फिर यहां पर 1:1 बोनस के कारण 87 में आपका हो जाता 200 शेयर पर 200 फ्री मिलेगा तो आपका हो जाएगा 400। फिर यहां 400 से 400 फ्री मिलेगा 92 में हो जाएगा 800। फिर 2000 में 800 पर 800 फ्री 1600 हो जाएगा शेयर। फिर 1600 पर 1600 फ्री मिलेगा 2010 में, तो आपका टोटल शेयर हो जाएगा 3200। फिर 3200 पे 3200 फ्री शेयर मिलेगा आपको 2020 में, तो आपका हो जाएगा 6400 शेयर, मतलब 6400 शेयर। साथ ही साथ जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था इसको मैंने काउंट नहीं किया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा 6,40,000 शेयर। तो दोस्तों ये है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का मैजिकल रिटर्न। आप समझ जाइए आपके पास नंबर ऑफ शेयर ही इतने मल्टीप्लाई हो गए, कंपनी अगर 0.5% का भी डिविडेंड देती है तो काफी अच्छा अमाउंट आपको डिविडेंड के रूप में प्राप्त होगा। तो ऐसे बेहतरीन शेयर जब भी मिले आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है काफी अच्छे खासे हैं, थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट है, तो आप टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं कंपनी के किस प्राइस पे आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए और क्या लेवल्स होगा जिस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, साथ साथ क्या टारगेट होनी चाहिए आपका अगर इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट देखना है, एकदम सिंपल चार्ट आप गूगल में देख सकते हैं, कोई भी कंपनी का नाम लिखना है उसके आगे शेयर लगा देना है और सर्च करिएगा आपका, तो ये चार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप वन डे में देखिएगा तो वन डे में 6.75 कंपनी का शेयर प्राइस मतलब 4.40% से अप है। 5 डेज में देखते हैं, 5 डेज में आपको फ्लैट दिखेगा, मतलब कोई खास रिटर्न नहीं है, लेकिन 1 मंथ में बात करें तो 1 मंथ में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है कंपनी 20% का। 6 मंथ में देखते हैं तो 6 मंथ में भी आपको बेहतरीन रिटर्न दे रहा है ये कंपनी 115% का। ईयर टिल डेट में देखते हैं तो ईयर टिल डेट में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दे रहा है कंपनी। फिर 1 ईयर में बात करते हैं तो 1 ईयर में भी आपको 16% का रिटर्न लगभग दे रहा है कंपनी। 5 इयर्स में बात करते हैं 5 इयर्स में भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है कंपनी 154% का रिटर्न। मैक्सिमम ईयर की बात करें मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न, अगर आप 98 में मतलब 2000 ईस्वी में लिए रहते तो 7900% का रिटर्न प्राप्त होता, काफ़ी बेहतरीन है रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होता इस कंपनी में। साथ ही साथ बोनस के कारण भी ज़बरदस्त मतलब आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है मल्टीप्लाई होता, साथ साथ ग्रोथ भी देखते हैं 8000% का, तो इस कंपनी बोनस शेयर भी काफ़ी देती है, साथ साथ ग्रोथ भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जीरोधा का चार्ट यूज कर सकते हैं, अप स्टॉक का यूज कर सकते हैं, साथ साथ सिंपल आप जो गूगल में चार्ट है लॉन्ग टर्म के लिए वो भी देख सकते हैं कि जब जब कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आया बाउंस बैक उससे भी ज़्यादा मतलब तगड़ा था, तो जब जब गिरावट आया है तो बाय ऑन डिप्स करना है इस स्टॉक को। और जो पैंडमिक आया था उसमें सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी था इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, मात्र 50 रुपीज में स्टॉक मिल रहा था और अभी आप देखते हैं 160 का हो चुका है, मतलब 300% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है ये कंपनी अगर किसी ने उस गिरावट में इसमें इन्वेस्ट किया रहता। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें, कंपनी जो है इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, साथ साथ जो पार्ट्स है डिफरेंट पार्ट्स वो बनाती है, सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट बाय कैटेगरी देख सकते हैं, ऑयल लुब्रिकेंट कंप्रेसर, ऑयल फ्री कंप्रेसर, तो ये सारी मतलब प्रोडक्ट और सर्विस जो है कंपनी देखते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स बनाती है और साथ साथ कंपनी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो ये सारा चीज़ आप LG.com पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और कंपनी के सारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं। ऑयल यहाँ पर देखें लुब्रिकेट स्क्रू कंप्रेसर, ऑयल फ्री पिस्टन एयर कंप्रेसर, तो सारे प्रोडक्ट जो आपको कंपनी के वेबसाइट पर देखने मिल जाएंगे। दोस्तों इस तरह के जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां है डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देता है, साथ ही साथ अगर कंपनी मार्केट में अच्छा शेयर रखती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, मतलब मार्केट जो इसका है अगर 50% 20% भी होता है तो इस तरह कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी, क्योंकि जो कंपनी का यहाँ प्रॉफिट मार्जिन होता है काफ़ी अच्छा होता है इस तरह की कंपनी का। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।